फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण देखेंगे। इसके पहले मैंने श्री कृष्ण के चरित्र चित्रण को देख चुका हूँ, और अगर पूजा में जो प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, इस सब की मैं वीडियो बना रखा है, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, उस पर जाके क्लिक करके देख सकते हैं। क्योंकि इन सभी को आप अगर पूजा याद रहेगा तो आपको 3 नंबर निश्चित ही मिलेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आता है, यहाँ पे पढ़ लीजिए एक बार। अगर पूजा खंड काव्य के आधार पर युधिष्ठिर की चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं, तो ये क्वेश्चन था। मतलब इसी प्रकार जैसे विशेषताएं लिखी है, तो यहाँ पे मैंने निम्नलिखित कर दिया है, तो आप समझिएगा उतना। और यहाँ पे सत्यवादी एवं धर्मनिष्ठ है पहली हेडिंग फ्रेंड, और हेडिंग जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरह लिखेंगे आपको, तभी फुल नंबर मिलेंगे, नहीं वरना आपको कम नंबर मिलेंगे, तो आप मुझे मत बोलिएगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, और आपको पूरा मैं निश्चित कर रहा हूँ कि इस वीडियो में आपको पूरा बताकर ही छोड़ूंगा। मतलब एक ही बार देखेंगे वीडियो, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, युधिष्ठिर का स्वभाव एक आदर्श पुरुष का स्वभाव है। वे धर्मनिष्ठ, मातृभक्ति एवं न्याय के समर्थक हैं। वे राजा हैं लेकिन किसी न्याय के समर्थक हैं, लेकिन किसी अन्य राज्य को बलपूर्वक अपने राज्य में मिलाना नहीं चाहते। यानी कि मतलब छल से वह नहीं चाहते हैं कि हम किसी राज्य को छीन लें दूसरे राजा से। तो वे सत्य बोलने में विश्वास रखते हैं। करुणा, प्रेम, न्याय, सत्य, अहिंसा आदि उनके गुण हैं। वे अपने सदचरित के कारण धर्मराज युधिष्ठिर कहलाए। तो आपको यहाँ पे देखना चाहिए, न्यायप्रिय एवं लोकप्रिय शासक। धर्मराज युधिष्ठिर अत्यंत लोकप्रिय शासक रहे। उनके आदर्श शासन की चर्चा की प्रशंसा केवल जनता ही नहीं की, बल्कि देवलोक भी करते हैं। मुनि नारद युधिष्ठिर के संबंध में इस प्रकार कहते हैं, यानी कि मुनि और नारद युधिष्ठिर के संबंध में कहते हैं कि बोल उठे गदगद वाणी से धर्मराज जीवन तव धन्य, धरणी में सत्कर्म नीरज नीरस जन नहीं दिखता तुमसा अन्य। यानी कि तुम्हारे जैसा इस धरती पर कोई नहीं दिखता है। जैसा कि आप न्याय करते हैं और आपकी जो वाणी है, आपका जो धर्म है, ये सब बहुत सभी मनुष्यों से अलग है और आप धन्य हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप जैसे मैं बता रहा हूँ बस उसी को तरह आप रट लीजिए और वही लिखिए, या तो अपने मन से थोड़ा बहुत बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, उदार मानव, मतलब उनकी जो हेडिंग है तीसरी, उदार मानव। युधिष्ठिर के चरित्र में लोभ, प्रतिलोभ, प्रतिशोध, ईर्ष्या आदि भावनाएँ लेस मात्र भी, यानी कि तनिक मात्र भी नहीं है। बार बार ही उद्दंडता करने पर कौरवों के प्रति ईर्ष्या तनिक भी नहीं है। जरासंध का वध करने पर, जब जरासंध की वध किए फ्रेंड्स युधिष्ठिर ने, तो उनका राज्य उनके पुत्र को ही सौंप दिया। तो मतलब ये उनकी विशेषता थी कि ये उदार मानव थे। और फ्रेंड्स, इसकी चौथी हेडिंग है विनय, विनयम स्वभाव। तो फ्रेंड्स, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए, इसकी हेडिंग में है क्या क्या, युधिष्ठिर गुरुजनों का आदर करते हैं और अपने से बड़ों का सम्मान तथा छोटों से प्रेम करते हैं। हस्तिनापुर में आए द्रोणाचार्य के स्वागत में अपने रथ से उतर जाते हैं तथा अपने भाइयों के साथ दंडवत प्रणाम करते हैं। इसी प्रकार श्री कृष्ण को विदा करते हैं। समय कुछ दूर तक उनका रथ स्वयं चलाते हैं, मतलब इसी प्रकार श्री कृष्ण को विदा करते समय कुछ देर तक उनका रथ को जो स्वयं चलाते हैं युधिष्ठिर चलाते हैं। इस प्रकार युधिष्ठिर की विनम्रता एवं सज्जनता दर्शनीय है। निष्कर्ष, वस्तुतः धर्मराज युधिष्ठिर का चरित्र उनके अनेक गुणों से परिपूर्ण है। उनका चरित्र संपूर्ण भारतीयों के लिए अनुकरणीय है। अस्तो माँ सदगमय। फ्रेंड्स, ये आपको जरूर लिखना होगा लास्ट में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि फ्रेंड्स मैं ये लास्ट वीडियो थी अगर पूजा खंड काव्य की, इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है और हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। और चैनल पे बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाई जा रही है, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री सब पढ़ सकते हैं हाई स्कूल की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल पावरफुल स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए।